ये सच नहीं है, ये न्यूज है। ये इस मूवी का एक डायलॉग नहीं बल्कि आज के समाज में पनप रही एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहता, मगर धमाका मूवी के डायरेक्टर राम मधवानी ने इस ज्वलन समस्या की ओर सबका ध्यान खींचा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोरियन मूवी टेरर लाइफ का हिंदी रीमेक है। इस पर बात करने से पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब करें और बेल जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के प्लॉट की। कहानी की शुरुआत एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ की जाती है। उसके बाद कार्तिक को एक रेडियो जॉकी के रूप में, जो अर्जुन पाठक के रोल में है, दिखाया जाता है, जो उसी चैनल पर रेडियो जॉकी है जिस पर कुछ समय पहले तक वो प्राइम टाइम का फेस था। प्रमोशन के बाद वो आरजे बन गया है। तभी उसे एक कॉल आता है जो सृज को उड़ाने की धमकी देता है, जिसे अर्जुन पाठक प्रैंक कॉल समझकर काट देता है। मगर तभी धमाका होता है और उसे विश्वास होता है कि ये कॉल सही थी। यहाँ से हर सेकंड आपको एक के बाद एक चौंका देने वाले हादसे पता चलते हैं। रूथलेस न्यूज चैनल के हेड के रोल में अमिता सुभाष ने भी बढ़िया काम किया है। बम धमाके के बाद कैसे अर्जुन अपनी प्राइम टाइम सीट पाता है, अर्जुन और सौम्या का डाइवोर्स होता है या नहीं, कौन है वो कॉलर जो धमाका करता है, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि हम आपके रोमांच को स्पॉइल नहीं करना चाहते। ये मूवी 19 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। मगर आपको इस मूवी में अपना कीमती समय देना चाहिए या नहीं, तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। कार्तिक आर्यन का नया अवतार। कार्तिक अभी तक कॉमेडी और रोमांटिक रोल्स में ही दिखते आए हैं। सच कहें तो उनकी छवि एक चॉकलेटी हीरो की बन गई थी, मगर धमाका से कार्तिक अपनी उस इमेज से ही बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि उन्होंने अपने कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे डाली है। इस पूरी मूवी का भार मेरे हिसाब से दो लोगों के ही कंधे पर था, जिसमें एक तो कार्तिक आर्यन है, मगर दूसरा कंधा किसका है ये हम आपको आगे बताएंगे। ज्वलंत मुद्दे को उठाना, जी हाँ, डायरेक्टर आर माधवानी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आज के समय में हमारे समाज में ये एक गंभीर समस्या बन चुकी है कि कैसे मीडिया हाउसेस किसी भी घटना को एक्सक्लूसिव बना देते हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए उन्हें इग्नोर कर देते हैं। रेटिंग और टीआरपी का ये खेल कैसे खेला जाता है ये इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। उन चैनल्स को ये भी समझना चाहिए कि कैसे आम आदमी उनकी दिखाई न्यूज सच मानता है, उस पर भरोसा करता है। ये सब दिखाने के लिए राम माधवानी और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई। मूवी की फुल स्पीड। ये मूवी अपनी शुरुआती 10 मिनट में ही अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, उसके बाद आपको उठने का समय ही नहीं मिलता। सभी घटनाएं एक के बाद एक ऐसे घटते जाती हैं कि आप अपनी सीट की पेटी बांध के रखते हैं। और हाँ, ये मूवी अपने सस्पेंस को सस्पेंस रखने में भी कामयाब सिद्ध होती है। अगर हम बात करें संवादों की, तो इसके कुछ संवाद काफ़ी बढ़िया लगे हैं जो दर्शकों को अपने मैसेज देने में सफल दिखाई पड़ते हैं। जैसे न्यूज़ के लिए वक्त लगता है और ऑडियंस के पास वक्त नहीं, ये सच नहीं है, ये न्यूज़ है। रिपोर्टर बनाए नहीं जाते, वो खुद बनते हैं। अब हम बात करते हैं धमाका मूवी के म्यूजिक की। इस मूवी में दोनों ही सॉन्ग बहुत ही सुकून देने वाले हैं, जिसमें से खोया पाया सॉन्ग हमें लंबे समय तक याद रहने वाला है। अगर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की भी बात करें तो पूरी मूवी में वो काफ़ी बेहतर सुनाई देता है। अब बात करते हैं इस मूवी को संभालने वाले दूसरे कंधे की, वो है सोहम मजूमदार। मैं हैरान हूँ कि उनकी चर्चा कहीं क्यों नहीं हो रही है। ये बात तो सही है कि वो इस मूवी में वॉइस आर्टिस्ट की तरह ही हैं, मगर उनका काम टॉप क्लास का है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। ये मूवी अपने मैसेज के साथ दर्शकों को बांधे रखने में सफल तो होती है, मगर जब हम नीरज पांडे की मूवी अ वेडनेसडे से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये मूवी उससे थोड़ी कमज़ोर और थोड़ी कम कन्विंसिंग नज़र आती है। शायद ये इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि इसकी शूटिंग महज 10 दिनों में पूरी कर ली गई थी। मृणाल ठाकुर, जिन्होंने अर्जुन की पत्नी और रिपोर्टर सौम्या मेहरा का रोल प्ले किया है, वैसे तो इनको स्क्रीन पे ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया, मगर जितना भी उन्हें मौका मिला है वो कुछ कमाल नहीं कर पाई हैं। सिनेमा ए टू जेड अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि कुछ कमियों के बाद भी कार्तिक आर्यन और राम माधवानी की धमाका मूवी धमाकेदार है। ऐसे सामाजिक मुद्दों पर मूवी बनाना एक चैलेंजिंग काम होता है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए।
मेरे हिसाब से ये मूवी मस्ट वॉच की श्रेणी में आती है और सिनेमा ए टू जेड इसको 5 में से 4 स्टार देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।